सुबह आज मम्मी ने मुझे वक्त से पहले ही उठा दिया था और इसी की वजह से मेरा दिन बहुत गंदा जाने वाला था, ये बात तो मैं जानती थी। ऐसे तो मैं बहुत खुशमिजाज किस्म की बच्ची थी, घर में सबको हंसाने की जिम्मेदारी अक्सर मेरी ही तो थी, पर पिछले 2 सालों से इस एक दिन, पूरे साल का बस इस एक दिन मैं बहुत उदास और नाराज रहा करती थी। ये दिन था रक्षाबंधन के त्योहार का और मेरे भाई का उसकी कॉलेज की वजह से मुझसे मिलने ना आ पाना कारण था मेरे नाराज होने का। पिछले 2 सालों से मैं उसे राखी कुरियर कर देती थी और वो वही राखी बांध लेता था। गिफ्ट तो मुझे उससे मिलने की कभी कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं जानती थी इस बार भी वो नहीं आ पाएगा, इसीलिए मैं उसे राखी कुरियर कर चुकी थी। और आज मेरा सेलिब्रेट करने का कोई खास मन नहीं था, पर क्योंकि मम्मी का ऑर्डर आ चुका था कि नहा लो, रेडी हो जाओ, बुआ घर आने वाली हैं, तो बस इसीलिए मैं तैयार हुई और उनके आने का इंतजार करने लगी। यूं तो मैं और भैया कभी एक दूसरे से प्यार से बात किया नहीं करते थे, पर आज न जाने क्यों उसे अपने दिल की सारी बातें बताने को मन कर रहा था। भैया, हैप्पी रक्षाबंधन। मैं जानती थी तू नहीं आ पाएगा, पर राखी मिल गई है ना, बांध लेना। और इस बार अगर बिना गिफ्ट लिए तू घर आया ना तो देखना। आई विश मैं आज तुझसे मिल पाती, बहुत मिस कर रही हूँ तुझे, जल्दी आना। विद लव तेरी छोटी। ये मैसेज टाइप करके मैंने उसे सेंड किया और उसके रिप्लाई का वेट करने लगी। इसी बीच मेरी नजरें दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जा रुकी, हम दोनों की तस्वीर। मैं भैया की पीठ पर सवार और वो मुझे घर की सैर कराते हुए। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख मेरी मम्मी ने मेरे सामने मेरे बचपन का खजाना ला रख दिया, हम दोनों की तस्वीरें। मुझे हर वो चीज याद थी जो भाई ने मेरे लिए की, स्कूल में रोज लंच ब्रेक में मुझसे मिलने आना, मेरी क्लास में आकर बस मुझे चिढ़ाने के लिए छोटी बोल देना, घर में बैडमिंटन रैकेट से हम क्रिकेट खेलते थे और WWE याद है तुझे, कैसे तू मुझे उठा उठा करके बिस्तरों में पटक देता था। अपने क्रिकेट देखने के लिए तूने मेरे कितने ही रियलिटी शोज मिस करवाए होंगे, और इस बात के लिए तो मैं आज भी तुझसे नाराज हूँ। ये सब यादें मैं तेरे साथ बैठ करके दोबारा शब्दों में जीना चाहती थी। ओ हाँ, बताना भूल गई, मेरा भाई मुझसे बड़ा जरूर है, पर मैंने कभी उसे आप कह करके इज्जत नहीं दी। अच्छा भैया, तुझे याद है कैसे हम बचपन में एक दूसरे के अजीब अजीब से नाम निकाल देते थे? और वो दिन याद है तुझे जिस दिन तूने मुझे पानी के टैंक में बंद कर दिया था और जिसके लिए मम्मी ने बाद में मुझे ही डांटा था? कितना परेशान किया करता था ना तू मुझे। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई भैया, एक और मैसेज मैंने उसे सेंड किया और इस दफा मेरी आंखें नम थी। टिंग टोंग, दरवाजे की घंटी बजी, किचन से मम्मी की आवाज आई, बेटा जरा देख तो शायद बुआ आ गए हैं। मैंने अपने आंसू पहुंचे, दरवाजा खोला, मेरे सामने एक टेडी बियर और एक लेटर रखा था। मैंने लेटर उठाया और पढ़ा। हैप्पी रक्षाबंधन छोटी, अब जरा सामने तो देख। मैंने अपनी नजरें उठाई और मेरे सामने मेरा भैया अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो मेरे सामने है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं दौड़ी और उसे जा करके कस के गले लगा लिया और अब मेरा रक्षाबंधन हैप्पी था।